नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, आओ बैठो। हाँ जीजी, मिर्ची लगाई, वो काई हाल चाल थे अभी? मिर्ची का अभी थोड़ा सा कोकड़ी आई गई हो तो वो को काई करना अभी। हाँ तो जीजी, नीम सत्व को स्प्रे चली रही क्या अभी? हाँ, वो नीम सत्र को स्प्रे तो हम 8-10 दिन में करी रहे। हाँ तो जीजी, नींबू और अंडा की दवाई बनाऊंगा अभी, बनाई बताई देऊंगा तुमको हम, जो तानिक और दवाई दोनों का काम में आई सका। हाँ तो एक आसी पौधा पर क्या असर होएगा? हाँ जी, मिर्ची का पौधा का बीमारी से बचाव होगा और पौधा का स्वस्थ और मजबूत बना होगा। हाँ तो एक आम काय काय सामान लगेगा? हाँ तो जी, 12 अंडा और 125 नींबू लगेगा और 50 ग्राम अरीठा लगेगा। हाँ तो जी, वो अरीठा काय होए? हाँ तो जी, अरीठा अपन सिर धवानी ओका काम में भी आई सकन, किसी भी दुकान पर मिली जाए, जनरल दुकान पर। हाँ तो उसका अलावा अभी काय काय सामान लगेगा जी? तो जीजी, प्लास्टिक की बरनी या कांच की बरनी, नींबू को रस डालने के लिए, फिर नींबू काटने के लिए दरातो और बारीक कपड़ा। हाँ। और चिमटो रस निकालने के लिए, चार चीज ने की जरूरत पड़ेगा अपना। हाँ तो जीजी, जरा 10 मिनट रुको, ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर के लाऊं। हाँ अभी तुमको बनाना बताई दे नी। हाँ तो जीजी, अपना अंडा चाहिए, ऐसा गंदा छे तो इनका साफ पहले तो कर देवांगा। हाँ तो जीजी, अपन ऐसा सभी अंडा ने का 12 अंडा ने का गीला कपड़ा से ऐसा साफ कर देवांगा। हाँ जीजी, अब अपन ने सारे अंडे साफ कर दिए, अभी काय करना? हाँ तो जीजी, अभी अपना का 125 नींबू लेनु छे, फिर दराता से काटी ना इना चिमटा सी रस निकालू छे। देखो जीजी, ये अपनो आखरी लींबू छे। हाँ तो जीजी, अभी अपन रस निकाल लिया, अभी एक कपड़ा में छानी लेवांगा। हाँ। जो बीज निकलेगा उनका अलग कर लेवांगा। हाँ तो अपन अभी रस भी निकाल लिया, ना छानी भी लिया, ना अभी काय करना? हाँ तो जीजी, अभी अपन जो अंडा साफ करया नी। हाँ। वो एक एक यहाँ सावधानी से रखनु छे, क्योंकि फूटी नहीं जाए। ठीक ठीक।
हाँ तो जीजी, नींबू का रस में अपन 12 अंडा पूरा डाली दिया। अभी एक बात कई करना छे। हाँ तो जीजी, अभी अंडा अपन ने डाल दिया 12, उसके बाद अपन एक अच्छो सो ढक्कन लगाई देवांगा, फिर साफ सुथरी जगह पर रखांगे, एक ठंडी जगह पर। हाँ तो जीजी, एक अपन छाया वाली ठंडी और सुरक्षित जगह पर रखांगे। हाँ तो जीजी, एक अपन राखी देवांगे तो ये कितना दिन में तैयार होएगा? हाँ तो जीजी, अभी एक अपन 7 दिन तक रख देवांगे। तो एक कहीं बीच में आरो बसो घुमावणो मुमावणो छे कि नहीं, असोत रन देणो? हाँ तो जीजी, अभी अपन एक सुबह शाम ढक्कन खोलांगे, हिलावणो नहीं है अपना का, ढक्कन खोलनो छे और गैस निकले जाके और वापस लगावणो छे। हाँ ठीक है। हाँ तो जीजी, इन अंडा ने का अपन फोड़िया तो है नहीं, औखा डाली दिया तो छिलटा ने को काय होएगा? हाँ तो जीजी, अंडा का छिलका छे नहीं, नींबू का रस में अपना आप घुल जाएगा। हाँ तो जीजी, ये कौन कौन सी फसल के लिए छे? देखो जीजी, हरी पत्ती वाली सब्जी या कहीं भी धान पर छिटी सके, पर ज्यादा करी ना मिर्ची पर अच्छी रहे ये दवाई। ठीक। हाँ तो जीजी, मिर्ची पर कब डालनो? देखो जीजी, मिर्ची का फूल आवना वालो है नी, तभी जेका स्प्रे करनो छे। तो अब काई सीधो एक मिर्ची पर छिटकाव करनो छे काई? हाँ तो जीजी, अपनो 16 लीटर को एक पंप आवे नी, ओका में 50 मिलीलीटर यो डालनो छे, नींबू और अंडा को घोल और 50 ग्राम आरीठा डालनो छे। हाँ तो जीजी, ये आरीठा पाउडर क्यों डालनो? देखो जीजी, एना घोल में आरीठा मिलावांगा नी तो यो घोल अच्छो सो चिपचिपका हो जाएगा, तब पौधा पर और पत्ती पर अच्छो सो चिपकी जाएगा। ठीक। देखो जीजी, यो घोल बनावना से सारी बीमारियां खत्म हो जाए पौधा के। देखो जी, बाजार में अपन ऐसी दवा लेने जाओगा नी तो करीबन 1000 से ऊपर पैसा लगी जाएगा अपना का। हाँ, अपनी दवाई तो 200 में बनी गई जीजी। तो जीजी, ये दवाई अपन बनाई ली तो एक कितना दिन लग काम में लेनो? तो जीजी, एक बार अपन बनावांगा नी तो एक महीना तक एक काम में ली सकांगा। हाँ तो जीजी, अंडा का पूरी तरह से घुलना में 2 से 3 हफ्ता लगेगा, एकासे अपनी दवाई अच्छी बनी जाएगा। हाँ ठीक है।